जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल देखने को मिल रही है और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के धीरज शर्मा जम्मू पहुंचे हैं। धीरज सबसे पहले स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर की सियासत पूरे भारत से अलग है और यहां पर अगर सियासत करना हो कहते हैं कि जिगरा होना चाहिए। आपको लगता है कि एनसीपी यहां पर बाकी पार्टियों को टक्कर दे सकती है? देखिए, एनसीपी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद पवार साहब, उनके राजनीतिक कद के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। इतना बड़ा उनका तजुर्बा है और जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि आज जो जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है उसमें माननीय शरद पवार साहब जैसा एक राजनीतिक व्यक्ति की जरूरत है, जो अपनी नीतियों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक अमन चैन बहाल कर सकते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकते हैं, यहाँ की महिलाओं के लिए सुरक्षा का काम कर सकते हैं और किसानों के लिए, हम सब लोगों ने देखा केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए उनकी नीतियों ने किस तरीके से किसानों के लिए काम किया। तो बिल्कुल सही बात है, जम्मू कश्मीर में एनसीपी की बहुत सख्त जरूरत लगती है मुझे और हम युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं। पूरी ताकत से यहाँ के लोगों के लिए सड़क से लेकर संसद तक एनसीपी अब लड़ने का काम करेगी। यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो इस समय सही नहीं, लेकिन केंद्र सरकार है कि क्या चक्कर है, माहौल सामान्य, एनसीपी कैसे देखते हैं, माहौल सामान्य है क्या जम्मू कश्मीर? देखिए, ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप लोग खुद यहाँ पे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं करे, बड़ी बड़ी वादे किए और इन्होंने कहा था कि एक हम कश्मीर से लेके जम्मू में हम अमन शांति बहाल करेंगे, लेकिन हमने देख रहे हैं स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, चारों तरफ अशांति ही अशांति है और ये सरकार हर फ्रंट पे फेल नजर आ रही है और पूरे देश के लोगों ने देखा है किस प्रकार से इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जाति पाति और धर्म के नाम पे इन्होंने लड़ाने का काम किया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। अब जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है और इनको बाहर का रास्ता दिखाने का धर्म की बात करी तो धर्म जो है वो हर एक राजनीतिक पार्टी के नेता जो है वो धर्म पर ही राजनीति कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मुसलमान भारत सरकार में सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला अगर ऐसा कहे तो क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री है, मुसलमानों का नहीं? देखिए, हम लोगों ने देखा है भाजपा की सरकार जहां जहां पे आती है वहां वहां पे अशांति फैलाने का काम करती है, दंगे फैलाने का काम करती है, हम लोगों ने हर जगह पे देखा है। आज भी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से केंद्र का शासन है उस तरीके से कितनी अशांति फैली हुई है वो सब हम लोगों ने देखा है। जात पात और धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करने वाली ये पार्टी, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टी अब लोग समझ चुके हैं और अब हम एक ऐसा विकल्प चाहते हैं जो इन सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम करे। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि धर्म पर राजनीति ही नहीं होनी, राजनीति करनी है तो बेसिक मुद्दों पर कीजिए, तरक्की पर कीजिए, धर्म को क्यों घुसेड़ देते हैं राजनेता बीच में, धर्म को अपनी जगह रहने दीजिए। देखिए, इसी के लिए मैं माननीय शरद पवार साहब का नीतियों की बात करता हूं। हम सब लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र को किस तरीके से महाराष्ट्र बनाने का उन्होंने काम किया है, कितना बड़ा योगदान किया है, बात रोजगार की हो, बात किसानों की खुशहाली की हो, महिलाओं की सुरक्षा की हो, महाराष्ट्र ने ये साबित किया है कि जात पात और धर्म से उठके एक राजनीति हो सकती है, किस प्रकार से डेवलपमेंट की, विकास की राजनीति होनी चाहिए, ये हमें महाराष्ट्र मॉडल से सीखना चाहिए और आने वाले समय में यही मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। धीरज, जनता किस पर भरोसा करे? आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मॉडल पर लोगों को भरोसा करना चाहिए, भाजपा कह रही है गुजरात मॉडल पर भरोसा कीजिए, कांग्रेस ने अपना मॉडल तैयार किया हुआ है, सब राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना मॉडल तैयार करे, तो जनता कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं जनता को? देखिए, गुजरात मॉडल तो हम सब लोगों ने देखा है
और गुजरात मॉडल के चक्कर में जो फंसने की सबसे बड़ी गलती करी है, मेरे को लग रहा है देश का सबसे बड़ा धोखा था। आज गुजरात मॉडल दिखा दिखा के इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया है, वो मुझे लग रहा है पूरे लोग सब समझ चुके हैं। अब किसी भी मॉडल के चक्कर में, गुजरात के मॉडल के चक्कर में, या भाजपा के किसी भी बड़े वादे के चक्कर में, अभी देश की जनता यकीन नहीं करेगी, ना इनके किसी भी वादों में अब यकीन रखेगी। और अब हम लोग समझ चुके हैं कि अब हमें कोई दूसरे विकल्प की जरूरत है। आखिरी सवाल दिया है सर, जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा डीएम पिटीशन बना हुआ है, जम्मू संभाग को 6 सीट का प्रपोजल दिया गया है और कश्मीर को 3। अब लगता है कि ये सही देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को इन्होंने जगह नहीं दी है, माइनॉरिटीज को इन्होंने जगह नहीं दी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें भी राजनीति डालने का काम किया है। मुझे लगता है कि इसके लिए भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी। लेकिन इससे जम्मू की जनता खुश है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें जम्मू की जनता खुश है। बिल्कुल खुश, क्योंकि जम्मू संभाग के लोग खुश हैं। क्योंकि बहुत, अगर आप किसी भी वर्ग को अगर आप साइडलाइन करेंगे तो हमें लगता है कि इसमें खुशी नहीं है, ये न्याय नहीं है। 2026 में पूरे भारत में डिलिमिटेशन होगा, तो जो छूट गए हैं उनको उसमें मिल सकता है, तो ये 6 जो आई है कम से कम ये तो रहे जम्मू के पास। अब लोग अगले महीने तक यकीन रखने के लिए तैयार नहीं है, आप 2026 की बात कर रहे हैं। जब यहाँ तक इंतजार किया जम्मू ने, तो 6 ही साल तो है, 4 ही साल तो बचे। अब मुझे नहीं लगता है कि अब ये देश किसी भी तरीके से किसी भी बात पे इनकी यकीन रखेगा। अब हमें आज की बात करनी है, अपने अधिकार के लिए आज की लड़ाई लड़नी है, और मुझे लगता है कि अब ये उचित समय है कि अब हमें खुल के साथ आना चाहिए और इनसे लड़ना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धीरज शर्मा बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है उससे ये नाखुश है। आप लोग देखते रहिए अली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।